अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये वीडियो हम लोग ने बनाया है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमारे घर के 3 बकरे और 1 बकरी है। तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे हैं। तो लास्ट तक हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तो ये है हमारा पहला बकरा खबीब, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे वेट पर अभी तैयार हुआ है। और इसके बाद में हमारा दूसरा बकरा है हंसा, इसका नाम है कुतुब। तो इसके लिए हमने एक बकरी भी लेकर आए हैं, वो भी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। और एक्चुअली ये जो वीडियोस मैं अभी बता रहा हूँ, ये अभी की नहीं है, ये है 23 मार्च 2023 की, मतलब आज से 1-2 या 3 महीना पहले की। तभी हम लोग को बकरे शो नहीं करना था। ये हमारी बकरी है माशाल्लाह, ये हंसा, ये हमने कुतुब के लिए लेकर आए। और ये हमारा एक छोटू, ये भी कोटा का ही बच्चा है, माशाल्लाह छोटा है लेकिन मतलब फ्रेम में अच्छा दिख रहा है, खूबसूरती बहुत है। और अभी ये तकरीबन एक 35 से 40 किलो के आसपास होना चाहिए। माशाल्लाह खूबसूरती में ये बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा जो एक मिर्ज़ा का पैटर्न था, उस पैटर्न का माशाल्लाह ये बकरा है, सेम मिर्ज़ा जैसा ही दिखता है। तो ये हमारे टोटल 4, जिसमें 3 बकरे और 1 बकरी है। और वीडियो पुरानी है, इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों तक जल्द पहुँचाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काफ़ी सारे लोग जो है हमारे मतलब बड़े बकरे पहले से देखते आ रहे हैं, जैसे हमारा मिर्ज़ा 1 है, मिर्ज़ा 2 है, तो उसी की सीरीज़ है। तो कुछ लोगों की भी ऐसी थी कि आपके घर के बकरे भी दिखाओ, तो इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो कवर की है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे पास ये रखे हुए हैं। ये जो फीमेल है हम लोगों ने हंसा की लेकर आए, वो कुतुब के लिए लेकर आए थे क्रॉसिंग के हिसाब से, देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो कुतुब है और जो खबीब है, वो दोनों ही सेल के लिए, दोनों ही बेचने के लिए। इंशाल्लाह इनकी जो लेटेस्ट वेट वाली वीडियो है, अभी तकरीबन क्या वेट पर चल रहे हैं, उसकी वीडियो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है SNS गोट्स पर, SNS गोट्स के जो हमारा फार्म है वहाँ पर वीडियो इनकी अपलोड हुई है, तो उसका भी आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को ऊपर एक आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो हमारी देख सकते हो। ये तो जस्ट पहला पार्ट है, इसके अलावा हम लोग आगे भी दिखाएंगे कि हम लोग बकरे को क्या क्या खिलाते हैं, दिन भर का हमारा शेड्यूल कैसा रहता है। पूरा ध्यान जो है भाई लोग देते हैं, हमारे जो बड़े भाई है वो, जैसे चना चुनी हो गई, हरी पत्ती हो गई और जो घास हो गई, ग्रीन फीड हो गया। तो इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आगे चल के हम लोग बताएंगे कि इनकी डाइट क्या है, क्या वेट पर ये अभी करंट में चल रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट 3 महीना पुरानी वीडियो है, तब भी माशाल्लाह बकरे आप देख सकते हो कि अच्छे फ्रेम में थे। ये हरी पत्ती जो हम लोग PNS एग्रो से मंगाते हैं, तो उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिलेगी कि हम लोग क्या क्या खिलाते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, कैसा शेड्यूल रहता है, बकरियों को क्या देना चाहिए, बकरों को क्या देना चाहिए, शाइनिंग के लिए क्या देना चाहिए, वेट गेन कैसा होता है, तो सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें आप लोगों को कुतुब अच्छा लगा, या ये हमारा जो खबीब है कोटा वो अच्छा लगा, या ये छोटू बकरा है कोटा ये अच्छा लगा, या फिर जो हमारी फीमेल है हंसा की वो। तो कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा आप लोगों को इसमें बकरा या बकरी अच्छी लगी। वैसे तो माशाल्लाह सब अच्छे हैं, सभी खूबसूरत है और काफ़ी टाइम से हमारे पास पल रहे, और लोगों को भी देखना था कि हम अपने टेरिस पर क्या पालते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। ये हंसा तो माशाल्लाह मतलब ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि खूबसूरती में और जो इसकी मतलब एक बनावट है, सजावट है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो हमारे खुद के बकरे थे, साबले ब्रदर्स SNS गोट्स के। और अभी जो हम लोग दिखा रहे हैं ये दाऊद भाई के, ये हमारे ही पड़ोसी है, तो उनको भी बकरों का, बकरियों का बहुत शौक़ है। तो इन्होंने एक ये फ़ीमेल और एक उसका लाइक मतलब उसी की बच्ची है, तो दोनों लेकर आए थे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। बट फिर जो है बकरी बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करी थी, उस रीज़न से उसको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह भेज दिया। बट माशाल्लाह ये दोनों भी अच्छे थे और इनके जो है बच्चों को भी मतलब बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे अभी ईद नज़दीक आती है, तो ईद से 15 या 20 दिन पहले ही वो बकरा लेकर आ जाते हैं, और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ध्यान देते हैं। जितने टाइम तक इन्होंने रखा था, तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर टाइम जो है वो बकरी के साथ में ही रहते थे। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब वो नहीं रहते थे वो बहुत आवाज़ करती थी, तो उस वजह से इसको हटा दिए। तो ये दोनों भी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये थे हमारे टोटल 4 बकरे, इनके बारे में भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो कमेंट ज़रूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।